हेलो फ्रेंड्स हावर यू सो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आया हूँ एडमिशन रेड अपडेट और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स ऑफ द जीनम लिटल एंट्री कोर्स ये जो सीट मैट्रिक्स है ये एक्चुअली ये मैंने आज सुबह ही सर्च किया और मेरे पास ये अवेलेबल लास्ट ईयर का ये डाट मेरे पास ये सीट मैट्रिक्स पड़ा हुआ था तो मैं सोचा एक थोड़ा सा एक आपको आईडी दे दूँ कि कैसे सीट मैट्रिक्स रिलीज होता है पाई द जे के बोपिन हाउ यू आर गोइंग टू सर्च द टोटल नंबर ऑफ द कॉलेज नंबर ऑफ सीट्स हाउ मच सीट्स आर अवेलेबल फॉर द कैटेगरी ठीक है और कौन कौन सी कैटेगरी की अवेलेबलिटी रहती है तो ये लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है थोड़ा बहुत आपको इससे आइडिया लग सकता है कि कैसे वो इनटेक करते हैं इनटेक कैपेसिटी लास्ट ईयर की है इस बार की अभी तक अपडेट मेरे को पास अवेलेबल नहीं टू थाउंड ट्वेंटी थ्री की जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आपको अपने चैनल पे दे दूँगा बाकी ये जो टोटल सीट्स इनटेक का बता रहा है फिर यहाँ पर यू आपकी यू टी ऑफ लद्दाख का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यू टी ऑफ़ जे एंड के की टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही हैं उसके बाद अगर हम करगिल की बात करें करगिल का आ गया ये ले का आ गया फिर ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं वो आप देख सकते हो टोटल कॉलेजेस भी इसमें लिमिटेड है टेन कॉलेजेस ही दिखा रहा है एज़ पर द प्रीवियस ईयर सीट मैट्रिक्स और जिसमें जो जम्मू डिवीज़न के चार कॉलेजेस दिखा रहा है और कश्मीर डिवीज़न के आई थिंक सिक्स कॉलेजेस ही टोटल दिखा रहा है और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो निकल के आ रही है वो वन हंड्रेड टेन है गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं जिसमें अगर मैं बात करूं ओपन मेरिट में आपकी जो सीट्स निकल के आ रही हैं 57 और कैटेगरी की जो सीट्स निकल के आ रही हैं टोटल सीट्स में बताऊँ लास्ट ईयर की 49 के अराउंड ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें इसमें आपकी कैटेगरी की जो तो कैटेगरी की ये आपके सामने शो हो रही हैं आप इसको देख सकते हो जैसे ये आ गई कैटेगरी की वन सेकेंड कैटेगरी की आपकी जो सीट्स की अवेलेबलिटी मैं पहले एक एक करके ओपन मेरट की दिखा देता हूँ फिर आगे चलते हैं ओपन मेरिट और कैटेगरी पैनल में चलाएंगे हम जैसे ये रहा आपका गवर्नमेंट डी एम स्कूल बख्शी नगर यहाँ पर ओपन मेरिट में सेवेंटीन सीट्स निकल के आ रही हैं और कैटेगरी की टोटल कैटेगरी की फोरटीन सीट्स हैं फिर अगर मैं अगर अखनूर की बात करूं तो अखनूर में टोटल जो सीट्स ओपन मैरट में जो निकल के आ रही है वो दो हैं कैटेगरी की भी दो सीट्स सी निकल के आ रही हैं वैसे अगर मैं कठुआ की बात करूं तो कठुआ में जो सीट्स निकल के आ रही हैं दो ओपन मेड में दो ही कैटेगरी की है उधमपुर में जो सीट निकल के आ रही है वो भी दो है और कैटेगरी की भी दो सीटें निकल के आ रही हैं कुपवाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो कुपवाड़ा में जो टोटल सीट्स निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं तीन टोटल और कैटेगरी की भी तीन निकल के आ रही हैं श्रीनगर uh, की मैं बात करूं तो श्रीनगर में जो टोटल सीट्स निकल के आ रही हैं जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं अवेलेबलिटी वो है गवर्नमेंट एम टी स्कूल श्रीनगर में ला एज़ पर द लास्ट ईयर डाटा उसमें ओपन मेरिट में ट्वेंटी वन सीट्स हैं और कैटेगरी की सेवनटीन सीट्स निकल के आ रही हैं टोटल ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें कुलगांव की तो कुलगाव में ओपन uh, मेरिट में दो सीटें हैं और कैटेगरी की भी दो सीटें निकल के आ रही हैं फिर पुलवामा की बात करूं पुलवामा में भी आपका जो है वो दो और दो सीटें निकल के आ रही कैटेगरी की भी और दो ओपन मेरिट की अनंतनाग की मैं बात करूं अगर गवर्नमेंट एम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग अनंतनाग उसमें भी तीन सीटें हैं ओपन मेरिट में और तीन सीटें ही हैं कैटेगरी की जो निकल के आ रही हैं उसके बाद में अगर बात करूँ बारामूला की तो बारामूला में तीन सीटें निकल के आ रही हैं आपकी ओपन मेट की और दो सीटें निकल के आ रही हैं कैटेगरी की तो कैटेगरी की सीटें भी इधर लिमिटेड हैं ठीक है तो टोटल सीटें जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी जो जो, जो कैटेगरी परसेंटेज जैसे की यहां पर, एस की यहाँ पर एज पर दीट मैट्रिक्स एट परसेंट कैटेगरी निकल के आ रही है एस की इसमें टेन परसेंट निकल के आ रही है ओ की जो सीटें वो फोर परसेंट कैटेगरी के अंदर आ रहा है ए और आई इंटरनेशनल बॉर्डर उनकी जो कैटेगरी है वो फोर परसेंट के रिजर्वेशन दिखा रहा है आरबीए की जो है वो है आपकी टेन परसेंट के अराउंड ठीक है फिर सीडीपी सीडीपी की तीन परसेंट के अराउंड ये निकल के आ रही है ठीक है और एसपी की एसपी की जो कैटेगरी है वो अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंट टू परसेंट निकल के आ रही है फिर उसके बाद जे वो निकल के आ रही है वन और पी की द नंबर टोटल नंबर ऑफ़ द सीट्स विच आर रिजर्व द पी एस पी कैटेगरी इज़ फोर परसेंट ठीक है ये आपके सामने का डाटा है और अब अगर हम बात करें आ, इसकी एस सी की टोटल सीट्स की तो टोटल एस सी की जो सीट्स निकल के आ रही हैं डेट इज़ एट ठीक है टोटल सीट्स तो आपकी कैटेगरी की फोर्टी नाइन है उसमें से एस सी की एट है जो एस टी की निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है एलेवन ओ एस सी की जो सीट्स निकल के आ रही हैं वो फोर है फिर ए एल सी की जो निकल के आ रही है वो फोर है ठीक है आर बी ए की जो सीट निकल के आ रही है वो अलेवन है ठीक है फिर सी डी पी की जो सीट्स निकल के आ रही हैं वो है थ्री परसेंट ठीक है फिर उसके बाद एस पी की जो सीट्स निकल के आ रही हैं ठीक है वो आपकी निकल के आ रही हैं टू परसेंट ठीक है फिर जे के पी एम उसकी वन परसेंट फिर पी एस पी उसकी फोर परसेंट ये सीट्स उसकी सारी निकल के आ रही हैं आपके पास अवेलेबलिटी ऑफ़ द सीट्स आपके सामने शो हो रही हैं ठीक है और इसमें जो परसेंटेज है उसमें देखिए ये जैसे आर की एवन सीटें हैं सी की तीन ठीक है फिर आपकी जो है एस की दो सीटें हैं और पी पी की जो सीट निकल के आ रही हैं वो पाँच सीटें निकल के आ रही हैं आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है बॉटम में इसको हाईलाइट कर देता हूँ ये देखिए बॉटम में टोटल सीट्स हैं मैं इस जो ये जो शेयर मैं कर रहा हूँ आपसे प्रीवियस ईयर का जो जो सीट मैट्रिक्स है इफ़ यू वॉन्ट दिस सीट मैट्रिक्स यू कैन मैसेज मी ठीक है आई हैव मैंशन माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ऑल्सो शेयर माई टेलीग्राम चैनल नंबर एंड Instagram हैंडल कहीं पर भी अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं आपको ये जो प्रीवियस ईयर का जो सीट मैट्रिक्स है आई विल गोइंग टू शेयर इट ठीक है अब बात चलती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की क्योंकि अप्रोसीमेटली अब मैं बताता सेवेंटी हंड्रेड नाइनटीन हंड्रेड कैंडिडेट्स हैव ए पेड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट अप्रोक्सीमेटली और सेवनटीन हंड्रेड कैंडिडेट्स आर देयर हु हैव स्कोर पॉजिटिव मार्क्स मतलब पॉजिटिव स्कोर है जीरो से ऊपर है अब मेन आता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कैटेगरी तो होती नहीं है और ये सीट्स अब ये देखिए ये सारे कॉलेजेस निकल के आ रहे हैं जो जम्मू डिवीज़न से बिलोंग करते हैं नीचे कश्मीर डिवीजन के कॉलेजेस भी लिस्ट होगी आपके सामने अब एक, एक एक करके मैं थोड़ा बहुत आपको आईडी देता हूँ आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है जैसे बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक्पल वॉल हो गया इस यहाँ पर इनका ट्वेल्व का इंटेक निकल के आ रहा है ठीक है फिर आपका बी कॉलेज ऑफ गंग्याल में इनका फोर्टीन का इंटेक निकल के आ रहा है डाटा ननपत कॉलेज ऑफ नर्सिंग कठुआ में इनका आई थिंक एट का इंटेक निकल के आ रहा है और उसके बाद जम्मू के सूट ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आप इनको देख सकते हैं अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि कॉलेज आपको नियर बाय पड़ता है तो आप उसको अपने जो काउंसलिंग फॉर्म होगा उसमें आप प्रेफरेंस में रख सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर लोअर साइड पे तो यू कैन गिव एटलीस्ट लीस्ट फोर टू फाइव कॉलेजेस एज़ पर योर प्रेफरेंस ठीक है अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस आने के चांस हो सकते हैं तो टॉप में दो तीन कॉलेजेस आप रख सकते हैं और नीचे बॉटम में दो तीन कॉलेजेस का ऑप्शन प्राइवेट का भी दे सकते हैं एज योर बैकअप अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो ठीक है तो ये सारे जो हैं आपके इंस्टीट्यूट्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं जम्मू डिवीजन को बिलोंग करते हैं ठीक है और जैसे ये भी एक कॉलेज है ये भी एक रिनोन कॉलेज जम्मों में हमारे स्टीफन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मीरा साहब जम्मू यहाँ पे ट्वेल्थ का इंटेक निकल के आ रहा है ये आपके सामने शो हो रहा है ये वाला ठीक है उसके बाद अगर हम आगे बात करें ये आगे आपके कश्मीर डिवीजन के कॉलेज़ uh, आपके सामने जो ये शो हो रहा है ये आपके कुलगाम के आगे ये आपका बांदीपुरा का आ गया ये आपका श्रीनगर का आ गया ठीक है डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये आ गया फ्लोरेंस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अनंतनाग आ गया ग्रीन लैंड इंस्टीट्यूट ऑफ़ पैरामेडिकल ये श्रीनगर में आ ग्रीन वैली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसिस ये आपका टर्नबर्ग श्रीनगर में ठीक है एक कॉलेज जो मैंने बताया था जिसका आ, मतलब टॉप फिफ्टी कैंडिडेट्स में से उन्होंने इसको प्रेफरेंस दी थी आई थिंक ये दो कॉलेज हैं ये वाले कॉलेज बिशॉप भी, भी था बिशो मेमोरियल अनंतनाग अभी देखो आपके सामने इनके पास पाँच सीटें ही हैं और बिशॉप में सिर्फ दस सीटें ही हैं ये लास्ट ईयर का डाटा है ठीक है ये दो कॉलेज टॉप फिफ्टी में कैंडिडेट्स हैं हैव सेलेक्ट दीज टू कॉलेज फॉर द जीनम लिटल एंड एडमिशन ठीक है और ये आपके सामने एक और ये वाला कॉलेज था नौ रानी इंस्टीट्यूट आप ये वाला कॉलेज था एक और इनमें फ़ोटीन का इनके पास फोटीन का इंटेक था जो टॉप फिफ्टी कैंडिडेट्स में से कैंडिडेट्स ने इन दो तीन प्राइवेट कॉलेज़ को सिलेक्ट किया था और ये आपका अगर टोटल इंटेक हम देखें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की सीट्स ये देखिए एट एट है एट हंड्रेड एट और टोटल प्राइवेट गवर्नमेंट की मिला मलाजी जाए तो वह नाइन हंड्रेड एटीन निकल के आती है तो फ्रेंड्स ये और एक आपका ये आई थिंक लद्दाख डिवीजन का भी एक इंस्टीट्यूट निकल के आ रहा है इनके पास फोर इनटेक है ठीक है ये संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसिस करगिल फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ये सीट मैट्रिक्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा ठीक है नंबर ऑफ़ सीट्स कैसी हैं कितनी कैटेगरी की हैं सब डिटेल मैंने आपको बता दी है रिक्वायरमेंट है आप मैसेज कर लीजिए मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा कैंड सब्सक्राइब लाइक कीजिए चैनल को शेयर कीजिए चैनल को वन ऑफ़ द ओल्डस्ट यूट्यूब चैनल है स्पेशली फर जेड के कैंडिडेट्स, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ मैंने जे.के. वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आप मुझे इधर भी फॉलो कर सकते हो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो